हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मैं वेंकटेश कुमार आज आप लोगों के लिए डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का सिलेबस लेकर के आया हूं आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि डीएमआरसी का सिलेबस क्या है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसमें कैसे सिलेक्शन होता है क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में सिलेक्शन पाना हर किसी का सपना होता है इसमें जय बनना हर कोई चाहता है क्योंकि इस ये एक रिपोर्टेड जॉब है ये एक गवर्नमेंट जॉब है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं डीएमआरसी का सिलेबस क्या है सबसे पहले दोस्तों डीएमआरसी में दो पेपर होता है पेपर वन एंड पेपर टू ये दोनों पेपर क्लियर करना आपको बहुत जरूरी होता है यदि आप किसी ए, एक पेपर को क्लियर किए और एक में फेल हो गए तो आपका जेब बनने का डीएमआरसी में सपना टूट सकता है तो इसीलिए दोस्तों आपको दोनों पेपर क्लियर करना जरूरी है पेपर वन में 120 यानी कि 120 क्वेश्चन रहते हैं और वैसे ही पेपर टू में 60 क्वेश्चन रहते हैं जो आपको सॉल्व करने रहते हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर के टोटल डीएमआरसी में 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है यानी कि वन मार्क्स का इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं यानी कि हर एक क्वेश्चन का चार ऑप्शन होगा जिसमें से कि एक ही सही होगा और एक सही करने पे आपको एक नंबर मिलेगा हर पेपर के तहत इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है इसका निगेटिव मार्किंग वन अपॉन थर्ड है यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका वन बाई थर्ड मार्क्स जो है डिडेक्ट हो जाएगा यानी कि कट जाएगा तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि सीवीटी वन कि पेपर वन का एग्जाम पैटर्न क्या है सिविटी मन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें ऑनलाइन आप लोग का पेपर होगा जो कि कंप्यूटर पे होता है इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर जनरल नॉलेज करंट अफेयर जनरल एम्पलीट्यूड जनरल रीजनिंग और फिर आपका टेक्निकल आता है ये आपका जो जनरल नॉलेज और इतनी ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट जो है इसमें इसमें 45 क्वेश्चन रहता है और आपका टेक्निकल जो रहता है टेक्निकल पार्ट उससे रहता है आपका सेवेंटी क्वेश्चन तो ये आपका टोटल हो गए है वन क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 90 मिनट मिलता है टेक्निकल अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रहेगी अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का रहेगा मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का रहेगा 75 नंबर का और नॉन टेक्निकल इसमें आपको सिर्फ फोर्टी फाइव क्वेश्चन रहते हैं और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है जो कि नब्बे मिनट में आपको सॉल्व करना है अगर बात करें सीवीटी टू की यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर टू तो इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर होता है जनरल इंग्लिश जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सिक्सटी होते हैं और इसमें आपको फोर्टी फाइव मिनट मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए आइए दोस्तों अब जानते हैं डिटेल से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है बात कर रहे हैं अभी हम पेपर वन नॉन टेक्निकल सेक्शन की जनरल नॉलेज से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा जाता है डी में दोस्तों डी में जनरल नॉलेज से जोग्राफी ऑफ इंडिया हिस्टोरी ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी इंडियन इकनॉमी एवरीडे साइंस जनरल साइंस इन्वामेंटल साइंस जनरल फिजिक्स जनरल केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब दोस्तों हम बात करेंगे करंट अफेयर की ये करंट अफेयर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं डीएमआरसी के एग्जाम में तो दोस्तों करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है वो डीएमआरसी में आते हैं पर्सनस इन न्यूज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गेम एंड इवेंट अवार्ड एंड ऑनर्स बुक एंड थर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस एंड सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स अफेयर नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज इससे ज़्यादा दोस्तों करेंट अफेयर में डीएमआरसी के पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाता दोस्तों अब आते हैं जनरल एम्पलीट्यूड पे देखते हैं इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसमें नंबर एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एरिया एंड वैल्यूम डाटा इंटरप्रिटेशन और अब आते हैं दोस्तों जनरल रीजनिंग जनरल रीजनिंग में देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें सीरीज कंपटीशन, ब्लड रिलेशन क्लासिफिकेशन, पजल टेस्ट एनोलॉजी डायरेक्शन सेंस टेस्ट कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेंस डायग्राम, पेपर कटिंग क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन आते हैं अब दोस्तों बात करते हैं अपना टेक्निकल कि टेक्निकल में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं डीएमआरसी में जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट मशीन ट्रांसफार्मर मोटर मटेरियल एंड कंपोनेंट सेमी कंडक्टर फिजिक्स एनोलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए दोस्तों अब देखते हैं पेपर टू जनरल इंग्लिश कौन कौन सी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है ये सारे टॉपिक दोस्तों क्लास टेंथ तक के सिलेबस का आपको सिर्फ पढ़ना है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस कंपटीशन के लिए डी के लिए आइए दोस्तों टॉपिक देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच साइनोनोम्स एंड एटोनोम्स ये देखने हैं आपको comprehension ability सेंटेंस कम्पटिशन आइडोम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्सिट्यूशन सेंटेंस improvement स्पोर्टिंग error बस इतने टेन टॉपिक जो हैं आपको कवर करने हैं जनरल इंग्लिश में इससे ज़्यादा दोस्तों आपको और कुछ नहीं करना है दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा